अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। ये हमारा आईसीसी वर्ल्ड टी20 स्पेशल शो है, प्रेजेंटेड टू यू बाय कैडबरी एंड सनसिल्क। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टेइंग विद अस एंड स्टिक अराउंड विद जियो, बिकॉज जियो ने बहुत सारे प्लान्स बनाए आईसीसी इस वर्ल्ड टी20 के लिए। ऑफकोर्स बिग मैच कल सुपर संडे को खेला जाएगा, पाकिस्तान वर्सेज इंडिया। मेरा अमेजिंग पैनल भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सुहेल तनवीर। हेलो सुहेल, हाउ आर यू? हाउ यू फीलिंग? गुड। आर यू रेडी फॉर टुमारोज मैच? सुपर एक्साइटेड फॉर सुपर मैच। हाँ, बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत कुछ बात करनी है। और आपको ये भी बताएं कि आज कौन से दो मैचेस खेले जाएंगे, बिकॉज यू नो द सुपर 12 हैज स्टार्टेड। तो जल्दी से आपको क्विक फायर में बताते हैं कि आज कौन से दो मैचेस खेले। वेरी इंटरेस्टिंग मैचेस। फर्स्ट अप जी, आज साउथ अफ्रीका फेस करेगा ऑस्ट्रेलिया को, दैट्स 3 PM। और दूसरा मैच खेला जाएगा इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, ये 7 बजे होगा मैच। दोनों मैचेस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच, आई विल डेफिनेटली डू दैट। बट ऑफकोर्स बिग मैच कल खेला जाएगा एंड हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे कॉन्वर्जेशन का हिस्सा बने। हम लोग तो बहुत सारे सवाल पूछते रहते हैं, बट इट्स योर चांस और योर अपॉर्चुनिटी कि आप भी हमें अपने सवाल भेजें। कुछ नहीं करना, फेसबुक ट्विटर पर जाएँ, फेसबुक और ट्विटर यूज हैशटैग #AskJio एंड सेंड इन योर क्वेश्चन, क्वेरीज, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, अपनी टीम क्या आप देख रहे हैं, ये सब आपने हमें भेजें और हम अपने एक्सपर्ट से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवाल का जवाब दें। और मेरे बाकी एक्सपर्ट्स भी हैं बाय द वे, जस्ट नॉट दिस, वी हैव एन अमेजिंग पैनल एज वेल। हमें कराची में भी ज्वाइन किया है काफ़ी टाइम के बाद सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस आलिया, वेलकम टू कराची। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने भी ज्वाइन किया है एंड सैयद याह हुसैनी इज अनदर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वो हमें सब बताएंगे व्हाट्स गोइंग ऑन ऑफ द फील्ड। अच्छा फातिमा, इससे पहले कि आप किसी से सवाल करें, आप जितनी एक्साइटेड हैं, जितनी एनर्जेटिक हैं, सुहेल तनवीर मुझे लग रहा है फारूक सलमान ने अभी तक उनको जो है वो कॉफ़ी नहीं भिजवाई। और दूसरा फारूक 12 रुकनी, सुहेल 12 रुकनी टीम में, ऐसा लग रहा है कि आपका नाम नहीं आया तो आप बड़े नाराज लग रहे हैं हमें। नहीं तो सुहेल यहाँ से करेंगे ना फायर। मैं अभी सोच रहा हूँ कि मुझे वहाँ होना चाहिए था, तो मैं अभी उसी गोम गोम में। फातिमा ने पूछा ना कि आप कितने एक्साइटेड हैं, तो मेरी एक्साइटमेंट वहाँ चली गई कि जब आई यूज टू बी पार्ट ऑफ द टीम, सो ऑब्वियसली इट्स डिफिकल्ट। दूसरी बात ये है कि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें, ठीक है? तो अभी हम आपको नहीं भेज रहे और कल के लिए एनर्जी सेव करें, ठीक है? सो बिग मैच, अच्छा क्या डेवलपमेंट्स हुई है? तो सुहेल विल जस्ट थ्रो दैट टू यू, बट उससे पहले हम लोग आपको दिखा भी देते हैं कि पाकिस्तान ने अपने जो 12 मेंबर स्क्वाड है उसका अनाउंसमेंट कर दी कल के मैच के लिए। सो फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक, क्योंकि ये बड़ा दिलचस्प सिचुएशन है, क्योंकि हम लोग सब बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, यू नो हु इज़ गोना बी पार्ट ऑफ इट, पार्ट ऑफ द टीम टुमारो और नॉट। तो प्लेइंग 12 जो सॉरी स्क्वाड जो है पाकिस्तान की 12, उसका अनाउंसमेंट हो गया अगेंस्ट इंडिया। सो जल्दी से हम आपको क्विकली बता दें कौन कौन है। बाबर आजम, आसिफ अली, फखर जमान, हैदर अली, मोहम्मद रिजवान, इमाद वसीम, मोहम्मद हफीज़, शादाब खान, शुएब मलिक, हारिस रऊफ, हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी। और साथ साथ ये भी बातें की जा रही, साथ साथ बाबर आजम ने ये भी बोला कोर्स प्लेइंग 11 हम लोग कल डिसाइड करेंगे, पर 12 मेंबर्स हमें बता दिए। तो सुहेल, इसका आपको क्या लगता है कि डू यू थिंक इट मीन्स दैट पाकिस्तान हैज़ अ गेम प्लान, वो लोग फोकस्ड है, उनको एग्जैक्टली पता है किस क्या करना है कल और किसको क्या रोल दिया गया? तो आई थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप, डोंट यू थिंक सो? वेल ऑनेस्टली मेरी पर्सनल प्रेफरेंस हमेशा से ये रही है कि आप प्लेइंग 11 जो है वो एक दिन पहले एटलीस्ट प्लेयर्स को पता होना चाहिए कि दे आर प्लेइंग, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ आप सोचें कि जितना बड़ा मैच है कल इंडिया पाकिस्तान का, एवरीबॉडी नोज़ कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, उसकी कितने आपके ऊपर वो प्रेशर होता है। तो आई थिंक के मेंटली प्रिपरेशन के लिए आई होप के चलें, यहाँ पे मीडिया में नहीं लेकिन प्लेयर्स को बता दिया गया हो कि ये मेरी अपनी राय है, मैं जब खेलता भी हूँ तो मेरी यही होती है सोच कि आपको एक रात पहले पता होना चाहिए, सो यू कैन मेक योर ओन प्लान्स। देखिए एक टीम प्लान होती है और एक आप अपना इंडिविजुअली प्लान करते हैं कि आप अगर बॉलर हैं या बैट्समैन हैं तो आपने कल किस बैट्समैन या बॉलर के अगेंस्ट किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। तो आई होप के मैसेज शुड बी कन्वेड टू द प्लेयर्स हु आर प्लेइंग टुमारो। हैदर अली का इंक्लूजन थोड़ा सा ऑब्वियसली सरप्राइजिंग हमारे लिए कि दोनों मैचेस जो हमने प्रैक्टिस मैचेस देखे उसमें उनको हमने नहीं देखा, सो इट्स अ सरप्राइज एलिमेंट फॉर मी कि देखा जा सकता है कि उनको किस नंबर पे आप खिलाएंगे। देखें 3 पे फखर खेल रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि उनको आप नीचे ला सकते हैं। एंड देन इफ़ यू प्ले हैदर अली डाउन द ऑर्डर दे, फॉर मी इट डजंट मेक सेंस, बिकॉज आप देखें कि जो पिछला हैदर अली की बैड फॉर्म लगी थी वो टीम से जब बाहर भी हुए या डोमेस्टिक में भी उनकी परफॉर्मेंस बुरी हो रही थी, तो रीज़न बिहाइंड कि उनके नंबर को बड़ा फैक्चुलेट किया गया था। सो ही इज़ अ टॉप ऑर्डर प्लेयर,
he needs bit of time. He's not the one who go in and straight hitting sixes. हाँ. I mean he's a power hitter but he needs time. ठीक so है. obviously it's a bit tricky for me. और बहुत अच्छी हमने improvement भी देखी है. अभी जो नए हैदर अली है ना, नए charged up, he's good. He knows exactly कब ठहराव आ गया और अच्छा inform है. तो अब let's see कि वो playing 11 में कल होंगे या भी नहीं, ये भी एक सवाल है. But या आपके पास मोहन करते हैं. अभी विराट कोहली ने इन कॉन्ट्रास्ट भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं वही देख रही थी. आपको पता है वो एज यूजल बहुत पॉजिटिव रहते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं. उन्हें बोला कि पाकिस्तान को तो हमने कभी भी ये नहीं समझा कि वो वीक टीम है, पाकिस्तान एक स्ट्रांग टीम है, कभी भी पासा पलट दे दी है, मगर हमने भी अपनी कॉम्बिनेशन सॉर्ट आउट कर लिया, मगर हम अभी इस पर ज़्यादा बताएंगे नहीं. तो बड़े कॉन्ट्रास्ट लगा मुझे, जहाँ हम लोगों को एग्जैक्टली पता है व्हाट वी डूइंग. क्या डू यू थिंक इट्स लाइक अ माइंड गेम कि इंडिया आपको अभी नहीं बताना चाह रहा वो किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा? देखिए फातिमा, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है और कोई अगर ये नहीं कहता कि प्रेशर है तो शायद मेरा ख्याल है वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा होता है. मेरा ख्याल है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इंडियन कैंप में बहुत ज़्यादा इस मैच का प्रेशर है. क्योंकि एक जगह कल मैं इंटरव्यू देख रहा था शाहरुख गंगोली का, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सरबरा का. उन्होंने कहा कि जनाब इंडिया पाकिस्तान मैच के टिकटों का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है. साथ साथ वो बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब हमें इस बात से कतः नज़र कि हम पाकिस्तान को हराएं, पहला मैच जीतें. उनका कहना यह है कि अगर ट्रॉफी जीतेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात होगी. तो इसका मतलब यह कि वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव हमें लग रहा है. क्योंकि अगर पेपर पर देखा जाए तो इंडिया की टीम फेवरेट है. आप कोहली की बात करें, आप शाहरुख गंगोली की बात करें, उनकी गुफ्तगू से इस बात का खुलासा हो रहा है कि उनके कैंप में प्रेशर वाज तौर पर दिखाई दे रहा है. एक चीज़ जो हमारी चीज़ क्लियर हो गई है कि हम किस कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं. 12 रुकनी टीम का आपने ऐलान किया है, लेकिन हैदर अली कल नहीं खेलेंगे. बिल्कुल सोहेल ने ठीक कहा. लेकिन इंडिया की टीम यहाँ पर अगर अपने एक बैट्समैन को ऐड करती है, 6 बैट्समैनों के साथ जाती है, तो फिर उनको 5 बॉलर के साथ खेलना पड़ेगा. अगर वो एक स्पिनर को ऐड करते हैं तो उनको एक बैट्समैन को कम. अच्छा वैसे भैया, मैंने भी अपनी तरफ से, क्योंकि इंडिया तो हमें बता नहीं रहा, तो मैंने अपनी तरफ से प्लेइंग 11 उनकी बनाई है. तो आगे जाके मैं आप लोगों से डिस्कस करेंगे. मैं भट्टी साहब, एक फ़ैन ने आज मुझसे बात पूछी, मैंने सोचा मैं आपसे पूछूँ. उन्होंने बोला कि क्यों इस मरतबा वो वाला हाइप और स्ट्रेस नहीं है जितनी होती थी पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले. क्या ये कोरोना का कोई बहुत बड़ा रोल है कि जिस वजह से बहुत दूरी आ गई और डिस्टेंसिंग हो गई है? वरना तो जर्नलिस्ट भी आपस में बहुत मिलते जुलते थे, बहुत कुछ होता था. क्या आपको भी ऐसा फील हुआ है? नहीं फातिमा, हाइप तो वैसे ही है जिस तरह नॉर्मल पाकिस्तान इंडिया मैचेस में होती है. प्रेशर भी बिल्कुल यही है, सही कह रहे हैं कि प्रेशर भी उसी तरीके से. अगर कोई कह रहा है तो गलत कह रहा है कि प्रेशर नहीं है. लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रेशर है, हालांकि हम कराची में बैठे हुए, टिकट्स का बहुत ज्यादा प्रेशर है. एक टिकट जो 1000 दिरहम का है, इस वक्त 5000 दिरहम में बिक रहा है. बल्कि वो टिकट भी नायाब है, मिलने की बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, वो टिकट मिल नहीं रहे. तो टिकट्स का बहुत ज्यादा प्रेशर है. एज यूजुअल इंडिया पाकिस्तान का जो प्रेशर मैच का होता है वही प्रेशर है, वही हाइप है. लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया की टीम ज्यादा प्रेशर में मुझे नजर आ रही है, जिस तरह माइंड गेम खेलने की कोशिश की है विराट कोहली ने. देखें, इंडियन मीडिया ने तो इंडिया को 1 वीक 10 दिन पहले ही चैंपियन करार दे दिया. उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की टीम तो ये मैच जो है वो प्लेट में रख के इंडिया को पेश कर देगी. इस तरह नहीं होगा. बिल्कुल ये भी आईए ने सही कहा कि 12वें खिलाड़ी होंगे कल हैदर अली. पाकिस्तान के जो 5-6 बैटर्स हैं, 2 स्पिनर्स हैं, 3 फास्ट बॉलर्स हैं. लेकिन इंडिया के ऊपर जितना इंडियन मीडिया ने प्रेशर बिल्ड किया है, मेरा ख्याल, मुझे लग रहा है कि बैकफायर हो गया. तो इंडिया की टीम जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में मुंह के बल गिरी थी, इस बार भी गिर सकती है. ठीक है. और वैसे भी बात यह है कि हम लोग, वो शुएब अख्तर ने बहुत अच्छे समराइज किया था कि शुएब अख्तर ने बोला था वी हैव नथिंग टू लूज, सो वी विल गो विद गन्स ब्लेजिंग. वेल थैंक यू सो मच भट्टी साहब, एंड यही आपने हमें ज्वाइन किया. हमारा ICC वर्ल्ड T20 स्पेशल शो है, प्रेजेंटेड टू यू बाय कैडबरी एंड सनसिल्क. एंड हमारा एक्साइटिंग पैनल हमारे साथ मौजूद है, दो नए एडिशन भी आए हैं हमारे साथ, लेजेंडरी बैट्समैन जमामुल हक साहब. बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया. एंड One of the best leg spinners, मुश्ताक अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया. थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग अस. आपने हमें पैनल में किया. और मुश्ताक साहब, मैं आप सोची हूँ आपको ऑन एयर भी तारीफ कर दूँ कि लुकिंग गुड. बहुत शुक्रिया. वो मैं आपको बताऊँ, वो हम आपको नहीं बता सकते कि हमने ऑफ स्क्रीन क्या बातें की थी. बट मूविंग ऑन, आलिया आपके पास हम लोग आते हैं. आलिया, हमने आप सबके फैंस को चांस देने सवाल पूछने का. आप लोग यूज़ करें #AskJio. फेसबुक या ट्विटर पर हमें ऑडियो या वीडियो मैसेजेस भेजें, सवाल पूछें, हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे. तो आलिया, एक अली शायान से मैसेज आया है और वो ये पूछ रहे हैं कोई चांस है ड्यू फैक्टर का दुबई में, तो अगर पाकिस्तान ये के मैच में टॉस बड़ी ज़रूरी होगी, तो आपको क्या लगता है कि ड्यू फैक्टर दिमाग में रखते हुए टॉस का क्या होना चाहिए इफ़ यू विन द टॉस?
देखिए इस वक्त सिचुएशन ये है कि ड्यू फैक्टर जो है वो एक तरफ पॉजिटिव भी जा रहा है, जो बैट्समैन है उनको बहुत बॉल जो है आसान लग रहा है खेलने में, और जो बॉलर्स हैं उनकी मुसीबत आ जाती है। तो अब ये जो टॉस है ये बहुत वाइटल रोल प्ले करेगा कौन जीतेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसी वजह से कंडीशंस की वजह से या ड्यू की वजह से, वो ये है कि पाकिस्तान पहले अगर बैटिंग करता है तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं हम लोग, लेकिन चेज करना, प्रीवियसली पाकिस्तान चेज भी अच्छा कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली हमारी जो डेथ ओवर की बॉलिंग थोड़ी सी वीक हुई जो हमने प्रैक्टिस मैच में देखा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, बट अदरवाइज ये दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको इन कंडीशन से फाइट करनी है, वो जैसे भी हैं आपने अपना बेहतरीन खेल पेश करना है। और इंशाल्लाह हम ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ने जो इंडिया के खिलाफ मैच है, फातिमा ये जो इतनी हाइप हमारी बनती है बेसिकली इस वजह से भी बनती है कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस बहुत कम होते हैं, तो लास्ट टाइम जो पाकिस्तान ने 2016 में T20 का मैच खेला था वो अनफॉर्चुनेटली इतनी बुरी याद है क्योंकि सिर्फ 119 रन बनाए थे पाकिस्तान ने और 18वें ओवर में मैच खत्म हो गया था। ये वो टाइम है जिसको पाकिस्तानियों ने अब चेंज करना है, अब आपने बताना है कि आप अपने पूरे पोटेंशियल पे खेलेंगे, पूरे जज्बे के साथ खेलेंगे और इंशाल्लाह आप हराएंगे इंडिया। ठीक है, और आप लोग, आप फैंस को चांस दे रहे हैं टू बी द होस्ट टुडे, मुझे लग रहा है मैं तो सब प्रिपरेशन कर गई, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, आप ये सब सवाल पूछते हैं। और जमान साहब आपसे ही पूछ लेते हैं, इफ्तिखार बाबर का मैसेज आया है, वो ये पूछ रहे हैं कि हैदर अली को अभी 12 मेंबर में तो उनका नाम लिखा गया है मगर उनको आसिफ अली पे क्यों प्रेफरेंस दी जा रही है, उनका रीसेंट रिकॉर्ड नेशनल T20 में बड़ा ज़बरदस्त था एज कम्पेयर टू आसिफ अली, तो जगह बनती है हैदर अली की या नहीं, वो ये पूछना चाह रहे हैं बेसिकली। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारों से पहले मैं इस सवाल का जवाब भी देता हूँ, तो सारों से पहले जो चीज़ देख के खुशी हुई है ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के खुशी हुई है, वो इसलिए कह रहा हूँ सारों से पहले जो पाकिस्तान ने अपनी 12 रुकनी टीम अनाउंस कर दी है, ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है पाकिस्तान की तरफ से कि वो बिल्कुल क्लियर है अपनी तरफ से, कि उनको पता है कि जी उन्होंने क्या करना है। इंडिया अभी तक ये नहीं कर सका कि वो क्लियर नहीं है, ये पाकिस्तान का बड़ा है ना, ये मैं कह रहा कि जी पॉजिटिव एक्शन है कि जी आप हम क्लियर हैं अपने उसमें कि जी हमने किसको खिलाना या किसको नहीं खिलाना। जहाँ तक ये सवाल है हैदर अली का और आसिफ का, हैदर अली देना कि ये टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, आसिफ अली छठे सातवें नंबर का प्लेयर है, इन दोनों का आपस में कोई मैच नहीं है कि जी दोनों की स्लॉट है ना बिल्कुल चेंज है, हैदर अली लोअर ऑर्डर पर नहीं खेल सकता और आसिफ टॉप ऑर्डर पे नहीं खेल सकता, अगर कहीं ऊपर हमें खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम हुई तो अगर हैदर को चांस मिलेगा तो वो मेरे ख्याल में बेहतर परफॉर्मेंस देगा, तो इसमें नहीं है। और ये बिल्कुल पाकिस्तान ने, जो मैं ये कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की मैनेजमेंट को या बाबर को इसको क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने एक दिन पहले आके अनाउंस किया है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि जो इंडिया वाले ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, अगर मैं जिस टाइम खेलता था, मैं क्लब का मैच भी खेलता था ना, तो मेरे पे प्रेशर होता था, ऐसी बात नहीं है कि जी प्रेशर, या इंडिया पाकिस्तान का मैच है प्रेशर नहीं है। क्रिकेट की दुनिया में ना विव रिचर्ड सारों से बड़ा मेरे ख्याल में प्लेयर आया है कि जी उस जैसा बैट्समैन नहीं आया, हेलमेट सारी ज़िंदगी नहीं पहना, तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा कि आपको डर नहीं लगता कि आप हेलमेट नहीं पहनते, उसने कहा कि जो ये कहते हैं उसे डर नहीं लगता तो वो झूठ बोलता है, लेकिन मैनेज करने वाली बात है। आज भी वो अगर किसी पे मैच पे प्रेशर नहीं है, सारों पे प्रेशर है, इंडिया पे भी प्रेशर है, पाकिस्तान पे भी प्रेशर है, कि कल देखेंगे कि जी कौन अपने नफ्स को बेहतर कंट्रोल करता है। ठीक है, बिल्कुल नर्व्स का गेम है। और जैसे भारतीय कप्तान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्हें बोला हमें अपना कॉम्बिनेशन पता है मगर हम आज कुछ बताएंगे नहीं, तो लगता है कुछ माइंड गेम्स भी खेलना चाह रहे हैं हमारे साथ। मुशाक आपसे भी पूछूंगी, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं, तो मैंने कंपाइल ही कर दिया सवाल कि डेथ ओवर्स में आप किसको देख रहे हैं बॉलिंग करते हुए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्यों नवाज़ को इंक्लूड नहीं किया गया इंस्टेड ऑफ हारिस रऊफ, आई मीन हम इस पर नहीं जाएंगे, हमें बैकअप करना चाहिए जो हमारे कप्तान ने डिसीजन बनाई है, मगर आपकी क्या टेक है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल डेथ के ओवर्स जो हैं वो आपको, मैंने दो तीन प्रोग्राम पहले भी जो हम कर रहे हैं दो तीन दिन से, तो मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ एज ए क्रिकेटर भी और एज ए कोच भी, कि आपको दो तीन दिन पहले बंदों को पता होना चाहिए कि मेरा रोल क्या है। इसमें हमारे पास शहीन शाह है, हसन अली है, आर दे आर द बॉलर्स हु आर लुकिंग फॉर, के जो आखिरी दो ओवर चार ओवर कर सकते हैं, इसके ऊपर आपने देखें प्रोएक्टिवली डिसीजन लेने होते हैं ग्राउंड के अंदर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन की, और हैदर अली की बात हुई है, क्योंकि हैदर अली को अगर इन्होंने 12 में डाला है तो आई एम जस्ट गैसिंग, मेरी फीलिंग भी है कि शुएब और हफीज़ को शायद वो चौथे और पाँचवें नंबर पर कंसिस्टेंटली ना खिलाएं, हो सकता है बिकॉज हफीज़ इज़ नॉट डूइंग वेल,
वो पिछले 5-6 मैच उसके अच्छे नहीं जा रहे, तो हो सकता है वो हैदर को डाल दें नंबर 4 पे। अगर उन्होंने ऑफ स्पिन ही करवानी है, एक्स्ट्रा बॉलर ही डालना है, तो शुएब मलिक कैन बॉल ऑल्सो। सो आई थिंक ओवरऑल अगर आप पैकेज देखा जाए तो ये पाकिस्तान की टीम का कम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ हम थोड़ी सी पहले आपने आलिया से पूछा था ड्यू फैक्टर का, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ पे यूएई में हम मुल्तान सुल्तान के सुहेल तनवीर को भी पता है कि हम हर रोज़ हर मैच से पहले ग्राउंड की रियलिटी देखते थे कि ड्यू फैक्टर है कि नहीं है। सो अगर ये चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना होता है, और तो इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है कि आप 1-2 दिन पहले मैच से पहले गीले बॉल से जाके प्रैक्टिस करके जाते हैं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो कि अगर बॉलिंग सेकंड आ भी जाती है तो उसके ऊपर हमने कैसे प्रोएक्टिवली उसके ऊपर हमने एग्जीक्यूट करने अपने प्लान्स। सॉरी मैं मुशी से एक सवाल, इन्होंने अभी जिक्र किया है कि ये हफीज़ को, तो आप समझते हैं कि हफीज़ जो ऑफ ब्रेक का एक ऑप्शन भी देते हैं, क्या वो उनको ड्रॉप करना अफोर्ड कर सकता है पाकिस्तान? देखिए इंडिया के खिलाफ, क्योंकि उनके ज़्यादातर राइट हैंडेड बैट्समैन है, और अगर आपने 1-2 ओवर करवानी है तो वो आप उससे करवा सकते हैं, शुएब मलिक से करवा सकते हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कोई अमाद, अगर अमाद एक स्पिनर है जो शुदाब के साथ आपको स्क्वाड में नजर आ रहा है, तो अमाद के कैन बॉल न्यू बॉल, तो हफीज का तो ऑप्शन नया बॉल से खत्म हो गया। अब मिडल ओवर में हफीज के ऊपर राइट हैंडर पे आई डोंट थिंक सो चांस लेंगे, अगर 1-2 ओवर करने भी पड़े तो वो मलिक कर सकता है। तो आई थिंक जो हैदर अली को एकदम कंसिडर किया गया है 12 में, मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे लगता है कि हैदर को शायद हफीज की जगह खिला दें। ठीक है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत शुक्रिया आप लोग सबका जो हमें ज्वाइन किया है। यू नो थ्रू आउट आईसीसी वर्ल्ड T20 पे हमारे पैनल हमारे साथ रहेगा, और आपको ये तय पाकिस्तान इंडिया का हाई वोल्टेज मैच कल खेला जाएगा। सुहेल तनवीर मेरे साथ ही मौजूद है। सुहेल, आई एम जस्ट लुकिंग एट माय जो पॉसिबल प्लेइंग 11, आई मीन भारत की मैं बात कर रही हूँ, तो राहुल, केएल राहुल तो ऑफकोर्स वो तो होंगे, रोहित शर्मा इज इन प्राइम फॉर्म, अभी 60 बनाए उन्हें वार्म अप मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के विराट कोहली, बट ऋषभ पंत का तो मैथ्यू हेडन भी कह रहे हैं, यू नो द विकेट कीपर बैट्समैन, तो वो भी हमें पता है कि ही इज गुड टू बी गुड। यादव हो सकते हैं क्या पिक, मतलब मिडिल ऑर्डर के लिए थोड़ा सा फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें 8 रन भी बनाए एंड देन ही मेड 30, बट देन ही मेड 38 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। देखिए आप इतने बड़े कॉम्पिटिशन में ना, वो आप यू डोंट डिसाइड ऑन वन और टू ऑन बेसिस ऑफ वन और टू बैड परफॉर्मेंसेज और गुड परफॉर्मेंसेज। ऑब्वियसली एक मैच पूरा साल का आपका वो वर्क होता है, एक प्लान होता है जो कैप्टन और मैनेजमेंट लेके चलती है कि किस प्लेयर को हमने क्या रोल देना है। तो आई फील के अगर कोई इंजरी वगैरह का इशू नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि पांड्या को वो दे गोना ड्रॉप हिम, इवन इफ इज़ नॉट बॉलिंग ओनली ऑन बेसिस ऑफ हिज बैटिंग, इफ इज ही फिट टू बॉल और नॉट पांड्या। देखिए मैं अगर मेरी एज फार एज माई लाइकिंग इज कंसर्न, पांड्या एज अ मैच विनर, वो मतलब वो ऐसी स्टेज पे आके बैटिंग करता है, सातवां नंबर, छठा सातवां नंबर ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और उसके रोल के लिए आपको आप हर प्लेयर उस रोल को फुलफिल नहीं कर सकता, यू नीड समवन हु कैन कम इन एंड हिट। व्हाट अबाउट जडेजा, आई मीन बहुत यूजफुल है एज अ स्पिनर, बट उन्होंने नहीं बैट किया वार्म अप मैचेस पे, तो विल ही स्टिल बी पिक, जैसे आप अभी कह रहे कि पूरा आईपीएल वो खेल के आ रहे हैं, उससे पहले भी काफी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक वो सिर्फ 2 मैचेस में बैटिंग नहीं किया। आई थिंक जडेजा विल डेफिनेटली प्ले। अश्विन और वो चक्रवर्ती में से मुझे लगता है कि शायद वो चक्रवर्ती के साथ जाएं, क्योंकि एक ऐसा बॉलर है जिसको अभी तक पाकिस्तान टीम इंस्टेड ऑफ अश्विन आप कह रहे हैं कि शायद यस फेस नहीं किया हुआ पाकिस्तानी बैटर्स ने, उसको इतना देखा हुआ भी नहीं है उसके, अभी रिसेंटली वो मेरे ख्याल में ही स्टार्टेड प्लेइंग, सो एक सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है हमारे लिए, और वो दूसरा बॉलर भी इस टाइप का एक मिस्ट्री टाइप बॉलर है, आपने देखा श्रीलंका के लिए एक वो बॉलर है। तो लेट्स सी कि फिर इंडिया का क्या प्लान है, बट अश्विन ने वार्म अप गेम्स में ही प्लेड वेल, ही पिक्ड अप 2 विकेट्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, नो क्वेश्चन ऑन अश्विन्स एबिलिटी, आई मीन आई एम नॉट, और आके टेल एंड में बैट भी कर लेते हैं, ही बैट्स, बट व्हाट आई एम सेइंग इज के वो ठीक है, आई एम सो सॉरी सुहेल आई एम इंटरप्टिंग यू बिकॉज़ हमारा शो का एंड टाइम हो गया है, बट थैंक यू सो मच वाचिंग सम स्पोर्ट्स फ्रॉम, सी यू टुमारो फॉर द बिग मैच, स्टे विद अस।